हाँ भाई लोग, चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विक्रांत मसी स्टारर विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी 12th फेल के बारे में, जो कि भाई अक्टूबर में रिलीज हुई थी। एंड इसको मैंने देखा तो था, बट इस पर कोई रिव्यू नहीं बनाया था बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज हो रही थी, काफ़ी सारे नए नए ट्रेलर्स आ रहे थे, टीजर्स आ रहे थे, एंड उनको रिव्यू करने के चक्कर में मैंने एक मास्टरपीस को रिव्यू करना गवा दिया, ऐसा कह सकते हैं। बट हाँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मूवी काफ़ी ज़्यादा हाइप में है एंड मैं सोच रहा हूँ कि बहती हुई उसकी गंगा में एक बार हाथ धो लूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई लोग, विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मसी यानी कि अपने बबलू भैया स्टारर 12th फेल एक वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी है, जिसको अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो तुमने एक बहुत एक वो काइंड ऑफ एक जेम वाली मूवी मिस कर दी है, जो कि अगर तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो तो हॉटस्टार पे मूवी अवेलेबल है, तुम डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। मूवी स्टोरी की बात करें तो मूवी स्टोरी रफली बेस्ड है रियल लाइफ IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के ऊपर एंड उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि इंडियन सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहते हैं। और हाँ, अगर तुम एक एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली भाई ये मूवी तुम्हारे दिल को छू जाएगी, जैसा कि मेरे भाई के दिल को भी छू गई। एंड उसने प्लान बना लिया कि भाई मुखर्जी नगर जाकर पढ़ेगा, दिन में बर्तन धोएगा, रात को पढ़ेगा एंड एक ना एक दिन IPS ऑफिसर बन ही जाएगा। खैर, उसके सपने तो ऐसे चलते रहते हैं। बाकी हम ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक छोटा सा कैमियो तो हमें देखने को मिल जाएगा विकास दिव्य कीर्ति सर का, जो कि ज़्यादा नहीं, IGS 10 से 12 मिनट का होगा, जहाँ पे भाई जितनी बार भी सर स्क्रीन पे दिखाई दिए हैं ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मूवी चल रही है। ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती से किसी लेक्चर में या किसी क्लास में ऑप्ट इन कर दिया एंड क्लास चलनी स्टार्ट हो गई है। खैर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा एंड मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस मूवी के लिए कहने के लिए, बिकॉज ये अपने आप में एक मास्टरपीस है, एक रियल लाइफ लोकेशन पे शूट मूवी, जो कि भाई डेफिनेटली तुम्हें देखनी चाहिए। एंड अगर तुम ऐसा कभी सोचते हो कि तुमसे कोई चीज़ नहीं हो सकती है या तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि तुम ये मूवी देखो एंड ज़ीरो से रिस्टार्ट करो। बाकी इसी के साथ साथ मैं तुमको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा अगर तुम भाई किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड इसी के साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।